और ये है जी हमारा ब्रेकफास्ट। उत्पाद है सेब अंगूर असाजा खूम जाते देले। सलाम अलैकुम गाइस, अभी देखिए सनराइज होने वाला है। सो गाइस ये रोड है जो डेजर्ट की तरफ जा रहा है और अभी सुबह सुबह का टाइम है, इधर से सनराइज अभी हुआ नहीं है, अर्ली मॉर्निंग जा रहा हूँ। आज आपको डेजर्ट का भी व्लॉग दिखाते हैं। सुबह ये देखें डेजर्ट इस तरफ ईस्ट है, अभी सनराइज हुआ है आधा घंटा पहले, और एक घर वो सामने नज़र आ रहा है बर्ड हाउस। इसी तरह की एक इस तरफ भी हट बनी हुई है, ये थोड़ा सा वादी के पास है एरिया। अभी कुछ एरिया देखें ये ग्रीन होता जा रहा है, यहाँ पे ये देखें कुछ क्रॉप्स लोगों ने लगाई हैं। और इस वीडियो को भी स्पॉन्सर किया है वो बंदा सामने बैठा है नूरदीन, ये मुझे लेके आए हैं, ये इनके जानने वाले हैं। तो हमने सोचा एक मॉर्निंग रूटीन की आपको और वीडियो दिखा देते हैं। ये देखें इस तरफ भी अभी ये कल्टीवेशन स्टार्ट होगी, ये फैमिली बैठी यहाँ पे इसीलिए इन ज़मीनों को अपनी ज़मीनों को बात करने के लिए। तो आप इनको टेम्परेरी सेटलमेंट कह सकते हैं या परमानेंट भी कह सकते हैं। पानी दे। अम्मा जी कितनी गावां रखियां ने? अब्बा गई त्रै। ठीक है, गुजारा हो जाता तीन गावां नाल? हां, भोंशो दा गुतावा शुतावा करते वर कोई बैठा जा, ए जमीन आबाद पे कर दे से माल किते। ठीक है, घा पट्ठे दा। सो गाइस वैसे ये सनराइज से पहले पहले ये सारा ये काम हो जाता है, आज हमारी वजह से इन्होंने ना ये थोड़ा लेट किया, वरना ये जब तक सनराइज होता है तो ये काम अपना निपटा चुके होते हैं। बड़ा जी खामोशी का माहौल है इधर, दूर दूर से बर्ड्स और इवन के अगर वो छोटी सी टिड्डी जिसे बोलते हैं उसकी आवाज़ तक आ रही है। और क्योंकि अभी सर्दियां स्टार्ट है तो ये देखें अभी तक भी थोड़े बहुत ना ओस पड़ी हुई है इन पे। ये देखें जी ये गाय ने अभी बच्चा दिए, ये देखे कितना क्यूट है, ये पता नहीं मुझे क्यों इतने अच्छे लगते हैं। बहुत प्यारे हैं। ये एक ही हट है जी और साइडों से ये देखें ओपनिंग है, इधर ही इन्होंने अपना सारा ये सेटअप किया हुआ है, इवन कि ये इन्होंने स्पेस कवर की हुई है, ये जो लकड़ियाँ हैं इसके बीच में ये बर्तन लगाए हुए हैं। ये देखें ये सत्तू है जी, ये देखें ये गर्मियों में इसको पानी में डाल के पीते हैं। ए अब्बा तो सालों के दिन शहरी। हाँ जी। तो आधे महल के मर्डा ऐसा जाएं ये झुक गया। नहीं अम्मा जी। तो आधे कूलर ठंडे पानी ऐसा जाएं ये दीड़ा से गुग गया। लेकिन अम्मा जी यह मेनू अच्छा लगता है, यह माहौल मेनू अच्छा लगता है। सदा रेश है ना। हाँ जी। जाद ते रोही दी। ठीक है। तो आधे सेब अंगूर असाजा खूम जाते देले। फगुसियां। फगुसियां संगड़ियां। संगड़ियां। असाड़ी ए सब्जी है। सही। असाड़े इलाके की। ए हुन ओ जा मेरे पोतर दी बड़ी हुई है। हाँ जी। मैं ओथ का नहीं बांधिया। अच्छा तुसी इत्थे खुश हो? मैं इत्थे खुश। तो गाय जी अम्मा कह रही है देखने सामने उसके बेटे का वो घर है, वो कब है मर्ड हाउस ही, तो वो कह रही है मैं उधर जाके भी खुश नहीं हूँ, मैं इस हट के अंदर ज्यादा खुश हूँ। अच्छा इस तो भी अगे। हाँ। तो गाय देख लें, हम लोग कहते हैं कि जी बड़ी टफ लाइफ है या इस तरह से है, लेकिन अम्मा जी कह रही है कि अगर मुझे शहर में या वो सामने इवन घर है कि मैं वहाँ भी खुश नहीं हूँ। और मैं तो अपने बेटे को कह रही हूँ कि इससे भी आगे जो डीप डेजर्ट है वहाँ मुझे एक हट बना के दो, मैंने उधर रहना। कवर है वह इधर नाल, वो ओपन है उधरों बीचों, तो रात में ठंड नहीं लगती? वो नहीं वैसे ना ये तैयार कर दे पे ना। अच्छा तैयार कर दे पे, हाल तैयार कर दे पे ना, या जल्दी तैयार नहीं थी ना। हाँ
किलो निकल निकल तेल भी ठीक लतीफे बत्ती साफ करते नहीले नाल टंग सुगाई ये अम्मा ने ये लस्सी देखें एजिटेट कर ली है, ये इसका बटर निकला हुआ है, अभी इसी से पराठे पराठे बनाएंगे। और ये नाश्ते में एग है, ये भी देसी मुर्गी हैं जो घर की मुर्गी हैं, इधर रखी हुई है इन्होंने। ये आ गया जी लस्सी, ये सुबह सुबह निहार मुँह, इसका एक अपना ही मज़ा है। क्या बात है अम्मा जी, मेथी है ये इतनी बिजी है ना गाय, ये मेथी है, ये यहाँ पे ये थोड़ी सी इन्होंने जमीन बनाई है, ये वहाँ पे काश्त करते हैं। ये तो चोलस्तान चले आने फिर सही, ये तो चोलस्तान नहीं लिखना, ये बल्दी है जिम्मे डीजल बल्द है जी, ऐस नाल जा के नहीं। हाँ नूरदीन नगर में इतनी चार दिन रहा, मैं पतला हो जाऊंगा। हाँ जी सर, चढ़ चढ़ के ना टिब्बा। ये है जी गाय का देसी घी, ये थोड़ा सा पिंक और येलोश होता है, और जो भैंस का होता है वो थोड़ा वाइट होता है, वाइट वाइट शेड होता है उसका। तो जी इसी में जो ना अम्मा जी बनाएंगी ब्रेकफास्ट। चलो बंदे जेड़ी दहा रहने समय कोई शायद भी कहने
ये देखें जी देसी अंडे, देसी घी और यहाँ पे लोकल ग्रोन प्याज और ये मेथी, ये वाला टेक्सचर। और यकीन करें इसकी बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। है ना ताजा? हाँ जी। अच्छा लग जाते हैं तो ना आप जबरता आगे दे। साग का मौसम भी आ गया तो ये अम्मा ने आई थिंक कल बनाया था, हमें वो भी टेस्ट करवाएंगी। ये जी अभी साग को तड़का लगा रही है अम्मा जी। ये इसमें लहसुन डाला है और ये साग सिंपली कुक हुआ हुआ है, ये इसमें डाल देंगे। ये देखें जी ये बटर है और ये देसी शक्कर है, ये रिफाइंड शुगर होती है जो मार्केट से मिलती है, ये खुद बनाते हैं। ये दिखाइए, ये देखें जी एक तो ये ठीक है और साथ में एग है, ये सारी वो चीज़ें जो ऑर्गेनिक है। रिफाइंड शुगर जो है उसके साफ ज़रा हेल्थ डिसएडवांटेज भी है, लेकिन ये देसी है, इसमें कोई एडिटिव्स नहीं है, प्रिजर्वर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर लोग ज़्यादा ये इस तरह की ब्राउन शुगर ये पसंद करते हैं। सो गाइस ये सामने है वो हट जहाँ पे अम्मा जी ने अभी नाश्ता बनाया, एक घर उसके बेटे का ये है, ये सामने वाटर पंप लगा हुआ है। तो हमने जो अम्मा ने कहा जी आप ये वहाँ पे जाके बछाएं और तसल्ली से खाएं, ये देखें यहाँ साया भी है। डेजर्ट में जैसे जैसे सनराइज़ होता है उसके बाद थोड़ा ना हीट बढ़ना शुरू हो जाती है, सुबह सर्दी थी अभी भी मुझे पसीना आना शुरू हो गया था। ये बेरी का दरख्त है, शेड चेक करें, सराउंडिंग चेक करें। और ये है जी हमारा ब्रेकफास्ट, देसी अंडे, देसी घी के पराठे, ये साग
लस्सी और ये मक्खन। ये पहले एक वीडियो में दिखा चुका हूँ मक्खन के ऊपर शक्कर डाल के। ये एक देसी ब्रेकफास्ट है जी। और ये सारा कुछ अरेंज करने में जैसा कि पहले होता है मेरे नूरदीन भाई, इनका चैनल है, उस चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब भी करना है और वीडियोज़ भी वॉच करनी है। अपने चैनल का नाम बताएं जी। चैनल का नाम है क्रीम वाला। क्रीम वाला चैनल का नाम है और इसमें स्क्रीनशॉट भी आ रहा होगा इसके चैनल का और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन भी होगी। चलें जी बिस्मिल्लाह करें जी। पराठा, एग, साथ में थोड़ा सा ये आ गया जी साग सरसों का। सर्दियों की ये मरगूब गुजाए पहले सेकंड चला पे नहीं झुग्गी कन बुलात में साडो खेना थोड़ा परा थी कर बिस्मिल्लाह झुग झुग बाल खन थे ठीक है चलो बाल बुला। ये मक्खन और शक्कर ये मेरा फेवरेट है। ये देख के मुझे बचपन याद आ जाता है क्योंकि बचपन में मेरी अम्मा जो है ना वो इस तरह से मुझे ये देती रही है, इसलिए मुझे ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं। तो गाइस ये आ गई जी फ्रेश मिल्क की चाय। आसिफ भाई चले जी, नूरदीन भाई चाय लें जी। बिस्मिल्लाह। नूरदीन आज आपने मज़ा करवा दिया यार। थैंक यू सर, कोई मसला नहीं। भैया जी प्यालियाँ किसी दौर में ये होती थी बड़ी वाइल्डली यूज़ होती, अब आस्ते आस्ते ख़त्म होती जा रही है, सिर्फ चोलिस्तान और विलेज एरियाज में आपको मिलेंगी बस। मज़ा आ गया।